नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमवीर सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जॉनसन मुजफ्फरनगर से। आज के सेशन में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम क्वांटम नेचर ऑफ लाइट सेशन टू, इसका अध्ययन करेंगे, पार्ट टू। पिछले सेशन में हमने क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जब रे ऑप्टिक कॉन्सेप्ट और वेव थ्योरी जब अप्लाई नहीं होती, वहां पर हम क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने किसी भी लाइट का क्वांटम नेचर क्या होता उसका अध्ययन किया था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हाउ लाइट बिहेव एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल, हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी वेव, कोई भी लाइट जो वेव है वो कैसे लाइट की तरह, जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स लुक एट अ हाउ लाइट बिहेव्स एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी लाइट पार्टिकल की तरह या बिहेव वेव की तरह कैसे बिहेव करती है। देन इन दी 1600s क्रिश्चियन हाइजेंस अ डच फिजिसिस्ट शोज दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। 16वीं शताब्दी में क्रिश्चियन हाइजेंस ने, एक डच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। कैसे करती है? दिस इज दी सिंपली अ लाइट वेव, ये एक वेव की फॉर्म में है, एक लाइट है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फोटोन्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें जो वेव है, इस वेव की एक लेंथ होती है, हमने बताया था कि दो जो आपके क्रीस्ट हैं, इसमें जो वेव में जनरली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जो ऊपर उठा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं, जो पॉजिटिव एज देख रहे हैं, जिसे वेव क्रीस्ट बोलते हैं, वेव क्रीस्ट, जिसे शिखा बोलते हैं, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं दैट इज वेव ट्रो, जो नीचे आप देख रहे हैं दिस इज दी ट्रो और डाउन और वैली। तो ये दो पॉइंट वेव में होते हैं, एक उसका अपर पार्ट होगा जो पॉजिटिव हाफ बोलेगा, जो साइनोसोइडल वेव आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पढ़ा होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सिंपल हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम वेव क्रेस्ट बोलते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल को हम वेव ट्रो बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वेव में पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता, वहां पर हम क्रेस्ट और ट्रो की बात करते हैं, यानी कि उसमें शिखा क्या है और उसमें वैली क्या है या गर्त क्या है। जब वेव गर्त में चली जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, तो दो शिखाओं के बीच में जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो ये एक डच फिजिसिस्ट से उन्होंने वेव का स्वरूप बताया था कि वेव कुछ इस तरह की होती है, जैसे साउंड वेव है, वाटर वेव है, लाइट वेव है, ये सारी वेव जो है वो इसी तरह से होती है। तो वेव लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट, तो लाइट का बिहेवियर हम वेव की तरह देखें तो वन बिहेवियर ऑफ वेव इज डिफ्रैक्शन। जब हम वेव की बात करते हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो एक डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन, एज द विड्थ ऑफ द स्लिट बिकम्स लार्जर देन द वेवलेंथ द वेव इज डिफ्रैक्टेड लेस। यानी कि जो स्लिट होता है किसी भी वेव का, जो विड्थ ऑफ द स्लिट, जो स्लिट की विड्थ है, वो अगर बढ़ जाती है तो वेवलेंथ देन दी वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ से ज्यादा होती है, यानी किसी वेव की जो स्लिट की जो विड्थ है वो उसकी वेवलेंथ से अगर बड़ी होती है तो वेव क्या होगी? डिफ्रैक्ट हो जाएगी। वेव क्या होगी? डिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हम ये देखें, जिसमें ये डिफ्रैक्शन की फिनोमेना को जनरली हम देखेंगे कि जैसे ये वेव फ्रंट्स हैं हमारे पास, तो वेव फ्रंट्स में क्या है? वेव फ्रंट्स इज नथिंग, इट्स अ ट्रेन ऑफ वेव्स इन इक्वल लोकस पॉइंट। ये वेव फ्रंट्स हम पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन जो भी दोस्त आज चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो पीछे के लेक्चर्स को एक बार वॉच कर लें, देख लें, जिससे उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये एक वेव फ्रंट्स हैं, पैरेलल वेव फ्रंट्स हैं, जिसमें ये जो आपको लाइन, डार्क लाइन दिख रही है परपेंडिकुलर, ये वेव का क्रीस्ट है, और बीच में जो आपको गैप दिख रहा है दैट इज वेव ट्रो। तो किसी वेव का ये क्रीस्ट और ये ट्रो, तो ये वेव जब ट्रेवल करती है तो बीच में यहां पर एक ऑब्स्टेकल हमने लगा दिया, वॉल विद होल, एक ऐसा ऑब्स्टेकल लगा जिसमें बीच में एक होल है। जब ये वेव फ्रंट्स इस वॉल पर टकराते हैं तो इस होल से ये जो है जब पास होते हैं तो इसके कॉर्नर से ये बेंड हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, स्प्रेडिंग आउट ऑफ प्लेन वेव्स एज दे पास थ्रू होल। जब ये वेव फ्रंट्स इस होल से पास होते हैं तो ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो यहां आप देखें तो आपको ये एक सर्कुलर फॉर्म में आपको ट्रो जो वेव दिख रही है आपको, तो दिस इज दी सिंपली डिफ्रैक्शन। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, कि जब लाइट के रास्ते में कोई आप ऑब्स्टेकल लगा देते हैं और उसके बीच में एक होल
आता रास्ता होता है, तो उसके कॉर्नर एज से जो लाइट है वो बेंड बेंड हो जाती है और एक वेव, एक जो आपकी ये जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो लाइट के अंदर जो डिफ्रैक्शन होता है वो इस तरह से, अगर इसी को हम एनिमेटेड देखें तो वी कैन सी दैट दिस इज दी परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स। जब परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स में येलो कलर में आप देख रहे, हमने बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो जैसे ही आपने बीच में ऑब्स्टेकल लगाया तो यहां से जो वेव पास हो रही है ये इसके होल के कॉर्नर से जो है ये बेंड हो जा रही है, और बेंड होके यहां पर हमें ये एक डिफ्रेक्शन प्राप्त हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ डिफ्रेक्शन इन लाइट। तो लाइट को जब किसी ऑब्स्टेकल से, किसी होल से पास करेंगे, तो एक ऐसे ऑब्स्टेकल से जिसमें बीच में होल है, तो आपके जो वेव फ्रंट्स हैं वो एक डिफ्रेक्शन की फॉर्म में, उनमें एक डिफ्रेक्शन हो जाएगा और वो बेंड हो जाएंगे, तो वो बेंड हो गए, तो दिस इज द डिफ्रेक्शन, लाइट में डिफ्रेक्शन की फिनोमेना है ये। देन हम देखते हैं अनदर बिहेवियर ऑफ वेव इज इंटरफ्रेंस। दूसरा जो बिहेवियर होता है वेव का वो होता है इंटरफ्रेंस, यानी बिहेवियर जब हम वेव को स्टडी करते हैं तो उसमें हम डिफ्रेक्शन और इंटरफ्रेंस की बात करते हैं। तो डिफ्रेक्शन हमने दे लिया, डिफ्रेक्शन क्या होगा, अब हम इंटरफ्रेंस को देखते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हु शोड इन द 1800s दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। 18वीं शताब्दी में जेम्स जेसी क्लर्क मैक्सवेल ने ये प्रदर्शित किया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करती है स्पेस में, और द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो इसकी वेवलेंथ से रिलेट करती है, कैसे करती है, दैट इज एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वेयर एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ बाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसमें जब इंटरफ्रेंस की हम बात करते हैं, तो इंटरफ्रेंस में हमने क्या किया कि दिस इज द सिंपली वेव फ्रंट्स, और इस वेव फ्रंट्स के बीच में हमने एक ऑब्स्टेकल लगा दी, एक वॉल लगा दी विद टू होल्स। जब टू होल्स लगाए तो जब ये वेव फ्रंट्स इस होल से पास होंगे तो यहां पर हमें वही अगेन इसके कॉर्नर से आपके वेव फ्रंट्स जो है वो बेंड हो जाएंगे, बेंड होके आपको यहां पर डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्टेड वेव मिलेंगी, ये वेव मिल रही है। तो इन वेव्स में ये इनका जो वेव्स है, जब ये सेम वेव फ्रंट से दूसरे होल से जा रहे हैं तो यहां से भी आपको ये वेव डिफ्रेक्ट हो रही है, तो डिफ्रेक्शन भी मिल रहा है आपको, होल के पास जो वेव फ्रंट पास हो रहा है यहां पर आपको डिफ्रेक्शन है। और जब ये दोनों डिफ्रेक्शन पॉइंट, जब दोनों में होल्स में जो डिफ्रेक्शन होकर आउटपुट मिल रहा है, ये दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर रेड कलर में डॉट देख रहे हैं और आप ब्लू कलर में जो डॉट देख रहे हैं, दीज आर दी इंटरफेरेंस, ये वेव एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही हैं। तो इसमें दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स वेयर वेव क्रीस्ट मीट, जहां वेव के क्रीस्ट, इसमें आप देखें वेव का ये जो पोर्शन है दैट इज द क्रीस्ट, जब वेव के क्रीस्ट मिल रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जहां पर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, अकर्स वेयर वेव क्रीस्ट एंड ट्रो मीट, जहां पर क्रीस्ट और ट्रो मिलते हैं, यानी एक वेव का तो क्रीस्ट है, जो डार्क लाइन है वो क्रीस्ट है और जो व्हाइट कलर का बीच में गैप है ये ट्रो है। हमने देखा था ना इस वेव फ्रंट में, ये तो क्रीस्ट है और ये ट्रो है। तो जब एक वेव का क्रीस्ट और दूसरे का ट्रो जब एक दूसरे को मैच करते हैं तो वो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब दोनों वेव के क्रीस्ट मीट करते हैं तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जो आपको ग्रीन कलर में वो जो आपको दिख रहे हैं पैरोट कलर, पैरोट ग्रीन में, वो आपका जनरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जो रेड कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर क्रीस्ट और ट्रो मिल रहे हैं वो आपका डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इस तरह से किसी वेव में अगर हमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना को समझना है तो दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द गेटिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव। अगर इसको हम एनिमेटेड देखें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द वेव व्हेन एवर दिस वेव इज पासिंग थ्रू दिस होल। यहां देखें येलो कलर में हमने एक ऑब्स्टेकल लगा रखा है, यहां से वेव फ्रंट्स पास हो रहे हैं। जब ये वेव फ्रंट्स होल से पास हो रहे हैं तो होल के पास देखें तो इसके कॉर्नर पे जाके यहां से वेव फ्रंट जो है बेंड हो जा रहे हैं, बेंड होके इसमें डिफ्रेक्शन मिल रहा है हमको, तो ये वेव्स मिल रही है हमें। और दूसरी होल से भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन दोनों होल की वेव्स जो है एक दूसरे से
कट कर रही है, इंटरफ्रेंस कर रही है इस पॉइंट पर। ये जो आपको देख रहे हैं यहां पर, दिस इज द इंटरफ्रेंस, एक वेव दूसरे को इंटरफेयर कर रही है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द वेव्स एज ए इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन, दोनों चीजें हमने देखी इसमें। अब हम देखते हैं पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट। ये तो हमने देखा किसी लाइट का जो बिहेवियर है वो एक वेव की तरह कैसे है। अब हम देखना चाहते हैं कि लाइट का जो बिहेवियर है वो एक पार्टिकल की तरह कैसे है। एट दिस पॉइंट यू मे थिंक दैट इट्स प्रेटी ऑब्वियस दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, सो व्हाई हाउ डू वी नो दैट लाइट इज रियली कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो हमें, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि जब लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रही है तो हमें क्यों लाइट को एज ए पार्टिकल की तरह या फोटॉन्स की तरह हम उसे कॉल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो सपोर्ट फॉर दिस आइडिया कम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक लाइट। तो जब हम कहते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हेनेवर वी आर स्टडिंग लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन व्हाई वी आर स्टडिंग द लाइट एज एन क्वांटम नेचर और दिस पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, उसको हम फोटॉन्स और पार्टिकल्स की फॉर्म में क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी जो आइडिया था कि लाइट एज एक फोटोन की तरह बिहेव करती है, एक पार्टिकल की तरह, टिनी पार्टिकल्स होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन, वो आइडिया आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। An important feature of this experiment is that the electron is emitted from the metal with a specific kinetic energy. इसका जो concept आया था photons का, उसमें ये कहा गया था, important feature जो कहा था experiment में वो ये था कि electron जो है वो एक metal से एक electron emit करता है। जब electron किसी metal से emit करता है तो उसकी kinetic energy होती है और एक specific speed होती है। That means जो kinetic energy है, that is it has a specific स्पीड। तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से एमिट करेगा तो ऑब्वियस है वो किसी न किसी स्पीड पर होगा, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द लाइट, जब लाइट किसी मेटल, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता था कि जब किसी मेटल पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं और these electrons have the kinetic energy. Light is shown on a metal and after a certain binding energy is overcome an electron is emitted from the metal. यानी कि जब हम किसी मेटल पर लाइट एमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल गेट सफिशियंट एनर्जी एंड दे मूव अवे फ्रॉम द मेटल और वो उसे एमिट हो जाते हैं। तो ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो इसको अगर हम एनिमेटेड व्यू देखें इसका, तो वी कैन सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दिस एनिमेटेड व्यू। तो उसमें क्या है, जैसे कि कोई मेटल है, इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक जो ऑर्बिट है उसमें टाइटली बाउंड है। जब कोई भी लाइट, जब इस पे लाइट जब इस एटम पे पड़ेगी तो जब किसी इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन विल गेट सफिशियंट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड और उसमें से वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दैट विल एमिट फ्रॉम दी एटम, वो एक तरह से उसमें से एटम से एमिट हो जाएगा। तो दिस लाइट पड़ने पर इस तरह का कुछ उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो नाउ एनीवन हु इज फेमिलियर विद द बिहेवियर ऑफ वेव्स नोन एज दैट द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ वेव इज रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। तो जैसे जो कोई भी अगर बिहेवियर ऑफ वेव, जैसे हम बिहेवियर वेव का देखें तो हम समझ पाते हैं उसमें कि जो एनर्जी वेव में एसोसिएट होती है इट इज रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, वो उस वेव की एम्पलीट्यूड से और इंटेंसिटी से रिलेट करती है एनर्जी जो है। अगर एग्जाम्पल हम देखें इसका, फॉर एग्जाम्पल एट द ओशियन द बिगर द वेव द हायर द एनर्जी एसोसिएट विद द वेव। यानी जब आपने समुद्र में या किसी ओशियन में, समुद्र में आप देखें जब उसमें जो वेव्स उठती हैं जिन्हें लहर बोलते हैं आप, लहरें उठती हैं, तो जितनी बड़ी लहर होगी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। जब वो लहरें किसी चीज से टकराती है, आपने देखा समुद्र के अंदर जब लहर उठती हैं जिसे हम कभी कभी सुनामी और उस तरह का नाम दे देते हैं, तो वो उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है जितनी वेव बड़ी होती है। हायर द एनर्जी एसोसिएट विद द वेव, अगर उसकी वेव बड़ी है तो उसके अंदर जो एनर्जी है, जो एसोसिएटेड एनर्जी है, वो भी ज्यादा होगी। इट्स नॉट द स्मॉल वेव्स दैट नॉक्स यू ओवर, इट्स द बिग वेव्स।
So everyone who though light is just a wave was really confused when the intensity of the light was increased, brighter light. So everyone who thought light is just a wave. तो अब इनमें confusion क्या आता है कि जब हम ये कहते हैं कि light एक wave है, तो light just a wave was really confused when the intensity of the light was increased, brighter light and the kinetic energy of the emitted electron did not change. तो एंड तो जब लाइट को हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं, जब लाइट वाज इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो लाइट हमारी क्या ब्राइटर हो जाती है. उस केस में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिड नॉट चेंज. उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती. व्हाट हैपेंस इज दैट एज यू मेक द लाइट ब्राइटर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. यानी लाइट को जब हम ब्राइटर कर देते हैं, जब हमने कहा ना कि को जैसे आप एलईडी देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी में क्या लाइट एमिट होती है, तो अब जो एलईडी लाइट आपको ज्यादा देती है उसके अंदर क्या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है. उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है. जो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, बिगर मोर लाइटर ब्राइटर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है. हाउएवर देयर इज अ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मेटल वी नॉट बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. यानी हर एक जो मेटल है उसकी अपनी एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम वी नॉट बोलते हैं. अगर कोई फ्रीक्वेंसी इससे नीचे होती है तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स उसे एमिट नहीं करता. अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो हमें उसकी काइनेटिक जो एनर्जी है फ्रीक्वेंसी है वो उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी करनी होगी. दिस टेल्स अस दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. टाइम लाइट टाइम्स आर कॉन्स्टेंट दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन. यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होती है. लाइट टाइम्स अ कॉन्स्टेंट दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड इज तो जैसे हमने बताया E इज इक्वल टू एच न्यू. तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ फोटोन विल बी नथिंग, इट्स अ प्लैंक कॉन्स्टेंट टाइम्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. तो E इज इक्वल टू एच न्यू जिसमें एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट. सो दिस इज द E काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल that will equal to nothing, it's a E is equal to h nu, energy of photon, photon ki energy minus energy needed to eject an electron from the metal. ye h not wo energy hai, v not is a frequency, critical frequency, jitni hame use chahiye, h is a Planck constant, in dono ka multiply kar do, itni energy hame us electron ko emit hone ke liye chahiye. to obvious hai ki h nu must be greater than h nu not. this energy is sometimes called the work function of the metal. तो किसी भी मेटल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है और इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसकी फोटोन की एनर्जी उसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट. तो इस सेशन में हमने दोस्तों लाइट का जो बिहेवियर है वो हमने एज ए वेव भी स्टडी किया और उसका एग्जाम्पल भी देखा कि कैसे लाइट एक वेव की तरह काम करती है. उसके साथ साथ हमने लाइट को एज ए पार्टिकल भी स्टडी किया कि उसमें पार्टिकल में कैसे उसमें से फोटोन रिलीज होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे उसकी आती है, कितनी एनर्जी चाहिए हमें, ये सब हमने अध्ययन किया. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें. धन्यवाद.